नमस्कार, टीएमटी न्यूज 24 में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टीएमटी न्यूज 24। आज हम आपको टीएमटी न्यूज 24 पर एक ऐसे बुद्धिवादी कवि, अप्रतिक्रांतिकारी, दृढ़ राजनेता के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका संपूर्ण जीवन भारत देश में समर्पित हो गया। विनायक दामोदर सावरकर न सिर्फ एक क्रांतिकारी थे बल्कि एक बुद्धिवादी, दृढ़ नेता, समर्पित समाज सुधारक, दार्शनिक, दृष्टा, महान कवि और महान इतिहासकार तथा ओजस्वी आदि वक्ता भी थे। उनके इन्हीं गुणों ने महानतम लोगों की श्रेणी में उन्हें उच्च पायदान पर लाकर खड़ा कर दिया। उन्हें प्राय वीर सावरकर के नाम से संबोधित किया जाता है। हिंदू राष्ट्र की राजनीतिक विचारधारा हिंदुत्व को विकसित करने का बहुत बड़ा श्रेय सावरकर को जाता है। वे हिंदू संस्कृति में जातिवाद की परंपरा का विनाश करना चाहते थे। सावरकर के लिए हिंदुत्व का मतलब ही एक हिंदू प्रधान देश निर्माण करना था। उन्होंने 1857 के प्रथम स्वतंत्र समर का सनसनीखेज व खोजपूर्ण इतिहास लिखकर ब्रिटिश शासन को हिला कर रख दिया था। वीर सावरकर के प्रसिद्ध कथन मातृभूमि तेरे चरणों में पहले ही अपना मन अर्पित कर चुका हूँ, देश सेवा में ईश्वर सेवा है यह मानकर मैंने तेरी सेवा के माध्यम से भगवान की सेवा की। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम पर आधारित 1857 में स्वतंत्रता के भारतीय युद्ध नामक एक किताब लिखी जिस पर अंग्रेजों ने रोक लगा दी। उन्होंने रत्नागिरी जेल में हिंदुत्व नामक एक पुस्तक भी लिखी। उन्होंने प्राचीन भारतीय संस्कृति को बनाए रखने और सामाजिक कल्याण की दिशा में काम करने के लिए रत्नागिरी हिंदू सभा की स्थापना की। गांधी जी के हत्या करने वाले नथुराम गोडसे भी हिंदू महासभा के सदस्य थे। महात्मा गांधी हत्या मामले में वीर सावरकर पर भारत सरकार द्वारा आरोप लगाया था परंतु भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें निर्दोष साबित कर दिया था। वीर सावरकर का पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर था। वीर सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को नासिक के भगुर गांव में हुआ। उनके पिता दामोदर पंत गांव के प्रतिष्ठित व्यक्तियों में जाने जाते थे। जब विनायक 9 साल के थे तब उनकी माता राधाबाई का देहांत हो गया। इसके 7 वर्ष बाद ही सन 1899 में प्लेग की महामारी में उनके पिताजी स्वर्ग सिधार गए। इनके दो भाई गणेश जिन बाबा राव व नारायण दामोदर सावरकर तथा एक बहन नैनाबाई थी। इनके बाद विनायक के बड़े भाई गणेश ने परिवार के पालन पोषण का कार्य संभाला और दुख और कठिनाई की इस घड़ी में गणेश के व्यक्तित्व का विनायक पर गहरा प्रभाव पड़ा। विनायक ने शिवाजी हाई स्कूल नासिक से 1901 में मैट्रिक की परीक्षा पास की। बचपन से ही वो पढ़ाकू थे अपितु उन दिनों उन्होंने कुछ कविताएं भी लिखी। आर्थिक संकट के बावजूद बाबा राव ने विनायक की उच्च शिक्षा की इच्छा का समर्थन किया। इस अवधि में विनायक ने स्थानीय नवयुवकों को संगठित करके मित्र मेलों का आयोजन किया। शीघ्र ही इन नवयुवकों में राष्ट्रीयता की भावनाओं के साथ क्रांति की ज्वाला जाग उठी। सन 1901 में रामचंद्र त्र्यंबक चिपळूणकर की पुत्री यमुनाबाई के साथ उनका विवाह हुआ। उनके ससुर जी ने उनकी विश्वविद्यालय के शिक्षा का भार भी उठाया। बाद में 1902 में उन्होंने फर्ग्यूसन कॉलेज में एडमिशन लिया। एक युवा व्यक्ति के रूप में उन्हें नई पीढ़ी के राजनेता जैसे बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय से काफ़ी प्रेरणा मिली जो उस समय बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी अभियान चला रहे थे। सावरकर बहुत से स्वतंत्रता अभियान में शामिल भी हुए थे। टीएमटी न्यूज 24 पर हम जानते हैं वीर सावरकर का क्रांतिकारी जीवन। फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे में पढ़ने के दौरान भी वे एक राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत ओजस्वी भाषण देते थे। वीर सावरकर की भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी के कारण ब्रिटिश सरकार ने उनसे काफी स्नातक स्तर की डिग्री वापस ले ली। जून 1906 में वीर सावरकर वकील बनने के लिए लंदन चले गए। जब वे विलायत में कानून की शिक्षा प्राप्त कर रहे थे तभी 1910 में एक हत्याकांड में सहयोग देने के रूप में एक जहाज द्वारा भारत रवाना कर दिए थे परंतु फ्रांस में मार्सलिस बंदरगाह के समीप जहाज से वे समुद्र में कूदकर भाग निकले किंतु पुनः पकड़े गए
और उन्हें भारत लाया गया। भारत की स्वतंत्रता के लिए किए गए संघर्षों में वीर सावरकर का नाम बेहद महत्वपूर्ण रहा है। महान देशभक्त और क्रांतिकारी सावरकर ने संपूर्ण जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया और अपने राष्ट्रवादी विचार से जहां सावरकर देश को स्वतंत्र कराने के लिए निरंतर संघर्ष करते रहे, वहीं दूसरी ओर देश की स्वतंत्रता के बाद उनका जीवन भी संघर्षों से घिरा रहा। क्रांतिकारी समूह इंडिया हाउस के साथ उनके संबंध होने के कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। एक विशेष न्यायालय द्वारा उनके अभियोग की सुनवाई और उन्हें आजीवन काले पानी की दोहरी सजा मिली। सावरकर 1911 से 1921 तक अंडमान जेल, जिसे सेलुलर जेल कहा जाता है, वहां रहे और 1921 में वे स्वदेश लौटे और फिर 3 साल जेल भोगी। सेलुलर जेल स्वतंत्रता सेनानियों का कड़ा परिश्रम करना पड़ता था। कैदियों को यहां नारियल छीलकर उसमें से तेल निकालना पड़ता था। इसके अलावा उन्हें जेल के साथ लगे वो बाहर के जंगलों को साफ कर दलदली भूमि व पहाड़ी क्षेत्रों में समतल भी करना होता था। रुकने पर उनको कड़ी सजा वो बेत व कोड़ों से पिटाई भी की जाती थी। इतने पर भी उन्हें भरपेट खाना नहीं दिया जाता था। 1940 में वीर सावरकर ने पुणे में अभिनव भारती नामक एक ऐसे क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की जिसका उद्देश्य आवश्यकता पड़ने पर बल प्रयोग द्वारा स्वतंत्रता का प्राप्त करना था। आज़ादी के वास्ते काम करने के लिए उन्होंने एक गुप्त सोसाइटी बनाई जो मित्र मेला के नाम से जानी जाएगी। आज़ादी के बाद सावरकर पर भड़काऊ हिंदू भाषण देने का आरोप लगाया गया, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें पुनः निर्दोष पाया गया और रिहा कर दिया गया। लेकिन उन्होंने अपने हिंदुत्व के जरिए कभी लोगों को जागरूक करने नहीं छोड़ा। अंतिम समय तक वे हिंदू धर्म का प्रचार करते रहे। 8 नवंबर 1963 में उनकी पत्नी यमुना बाई चल बसी। सितंबर 1966 से उन्हें तेज ज्वर ने घेरा, जिसके बाद उनका स्वास्थ्य गिरने लगा। 1 फरवरी 1966 को उन्होंने गर्भपर्यंत उपवास करने का निर्णय लिया था। 26 फरवरी 1966 को मुंबई में भारतीय समय अनुसार प्रातः 10 बजे उन्होंने पार्थिव शरीर छोड़कर परमधाम प्रस्थान किया। उनकी अंतिम यात्रा पर 2000 आरएसएस के सदस्यों ने उन्हें अंतिम विदाई दी और उनके सम्मान में गार्ड ऑफ ऑनर भी किया। विनायक दामोदर सावरकर के कुछ प्रमुख कार्य आइए जानते हैं। सावरकर भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के केंद्र लंदन में उसके विरुद्ध क्रांतिकारी आंदोलन संगठित किया। सावरकर भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सन 1905 में वंग भंग के बाद सन 1906 में स्वदेशी का नारा देकर विदेशी कपड़ों की होली जलाई थी। सावरकर हिंदुत्व शब्दों को गढ़ा और हिंदू धर्म की विशिष्टता को तरफ जोर दिया जो सामाजिक और राजनीतिक साम्यवाद से जुड़ा था। सावरकर भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपने विचारों के कारण बैरिस्टर की डिग्री खोनी पड़ी थी। सावरकर पहले भारतीय थे जिन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 सावरकर द्वारा लिखित पुस्तक है जिसमें उन्होंने सनसनीखेज जो खोजपूर्ण इतिहास लिखकर ब्रिटिश शासन को हिला डाला था। सावरकर भारत के पहले और दुनिया के एकमात्र लेखक थे जिनकी किताब को प्रकाशित होने के पहले ही ब्रिटिश और ब्रिटिश साम्राज्य की सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया था। सावरकर दुनिया के पहले राजनीतिक थे जिनका मामला हेग के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में चला था। सावरकर पहले राजनीतिक थे जिसने एक अछूत को मंदिर का पुजारी बनाया था। सावरकर ने वह पहला भारतीय झंडा बनाया था जिसे जर्मनी में 1907 में अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेस में मैडम कामा ने फहराया था। सावरकर पहले कवि थे जिसने कलम कागज के बिना जेल की दीवार पर पत्थर के टुकड़ों पर कविताएं लिखी। कहा जाता है उन्होंने अपनी 10,000 से भी अधिक पंक्तियों को प्राचीन वैदिक साधना के अनुरूप वर्ष स्मृति में सुरक्षित रखा। वे प्रथम क्रांतिकारी थे जिन पर स्वतंत्रता भारत की सरकार ने झूठा मुकदमा चलाया और बाद में निर्दोष होने पर माफी भी मांगी थी। वीर सावरकर ने राष्ट्रध्वज तिरंगे के बीच में धर्म चक्र लगाने का सुझाव सर्वप्रथम दिया था जिसे राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने माना था। वे पहले क्रांतिकारी थे जिन्होंने राष्ट्र के सर्वांगीण विकास का चिंतन किया था तथा बंदी जीवन समाप्त होते ही अस्पृश्यता आदि कुरीतियों के विरुद्ध आंदोलन भी शुरू किया।
वे विश्व के ऐसे पहले लेखक थे जिनकी कृति 1857 का प्रथम स्वतंत्रता को दो दो देशों ने प्रकाशन से पहले ही प्रतिबंधित कर दिया था। वे पहले ऐसे स्नातक थे जिनकी स्नातक की उपाधि स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण अंग्रेज सरकार ने वापस ले लिया था। सावरकर जी का व्यक्तित्व विशेषताओं से भरा था। शस्त्र और शास्त्र दोनों के उपासक थे। आमतौर पर वीर सावरकर को उनकी बहादुरी और ब्रिटिश राज के खिलाफ उनके संघर्ष के लिए जानते हैं, लेकिन सबके अलावा वे एक ओजस्वी कवि और समाज सुधारक भी थे जिन्होंने हमेशा सद्भावना और एकता पर बल दिया। सावरकर जी के बारे में एक अद्भुत वर्णन हमारे प्रिय आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया है। अटल जी ने कहा था, सावरकर माने तेज, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तारुण्य, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार, सावरकर माने तिलमिलाहट। कितना सटीक चित्रण किया था अटल जी ने। ये वीर सावरकर के ही संस्कार है जो राष्ट्रवाद को हमने राष्ट्र निर्माण के मूल में रखा है। आपका स्वागत करके मैं बहुत प्रसन्न हूं। मैं खुद चलकर आपको लेने आता परंतु अस्वस्थ होने के कारण नहीं आ सका। इतने वर्षों बाद आपसे भेंट करके मुझे भी अच्छा लग रहा है। लंदन में मिले थे, वो दशहरे का दिन था। हाँ, तब वहाँ इंडिया हाउस में भी आपके स्वागत का सुअवसर प्राप्त हुआ था। बहुत समय बीत गया। आपने रत्नागिरी में हरिजन उद्धार का जो काम किया वो बहुत प्रशंसनीय है। हरिजन? हाँ, मेरे विचार से शूद्र शब्द का इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए, उसकी जगह हरिजन कहना ठीक है। हरिजन तो हम सभी हैं। आप जिन्हें हरिजन कह रहे हैं वे शोषित हैं, पीड़ित हैं। मेरे विचार में जिस जाति व्यवस्था, कास्ट सिस्टम ने उन्हें इस दशा में लाया है उसे समाप्त कर देना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा करने से तो उलझने बढ़ेंगी। कास्ट सिस्टम में मेरा पूरा विश्वास है, वो हिंदू धर्म से अलग नहीं है। चार वर्णों में विभाजित ये व्यवस्था हिंदू धर्म का आधार है, वो नेचुरल है और जरूरी भी। छुआछूत इसके कारण पैदा नहीं हुई, वो तो हिंदू धर्म के माथे का कलंक है, उसका अंग नहीं। अगर वो हिंदू धर्म का अंग नहीं तो कलंक कैसे बन गई? छुआछूत को समाप्त करने का एक ही रास्ता है, कास्ट सिस्टम को मिटा दिया जाए। कास्ट सिस्टम में महान शक्ति छिपी हुई है, इसके कारण हिंदू धर्म बिखरने से बच गया है। बच नहीं गया है महात्मा जी, कास्ट सिस्टम के कारण हमारा धर्म, हमारा समाज समाप्त होने के निकट पहुंच गया है। जिन्हें आप निम्न जाति का कहते हैं उन लोगों को अपने महान धर्म से अलग होने से बचाना है, और जो अलग हो चुके हैं उन्हें वापस लाना है। मैं भी धर्म परिवर्तन के विरुद्ध हूं, परंतु सदियों पहले जो दूसरा धर्म अपना चुके हैं उन्हें वापस लाने की कोई जरूरत नहीं है, उन्हें वापस आना भी नहीं चाहिए। सोच समझ कर, भले बुरे का विचार करके अगर कोई व्यक्ति हिंदुत्व को अपनाना चाहे तो उसे वापस अपने मूल धर्म में आने की स्वतंत्रता क्यों ना दी जाए? हमारे धर्म के लोग कुछ ऐसी परिस्थितियों में घिर गए हैं कि दूसरे धर्मों के अनुयायी उन्हें अपने बराबर आने का लालच देकर धर्म परिवर्तन पर मजबूर कर देते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं जिन प्रथाओं ने हमारे बीच ऊंच नीच का भाव लाया है अब उनका कोई उपयोग नहीं है, मैंने उनके पुतले जला दिए हैं। इस प्रकार तो हिंसा बढ़ेगी। यह हिंसा नहीं, संघर्ष है। संघर्ष और क्रांति से नई उपयोगी व्यवस्था का जन्म होगा। आप भी तो स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष कर रहे हैं, क्या उसकी कोई सार्थकता नहीं? मेरा आग्रह इस बात पर है कि आजादी उचित और नैतिक साधनों से प्राप्त हो, लोग अहिंसा के मार्ग पर चलें। इतने विशाल देश को स्वाधीन कराना है, शत्रु भयंकर साधन संपन्न है, उसका सामना बिना हथियारों के कैसे संभव है? शत्रु के पास इतने ज्यादा हथियार हैं कि हम अपने थोड़े से हथियार लेकर उनके साथ बिल्कुल लड़ाई नहीं लड़ सकते, और फिर केवल इसी कारण मैं अहिंसा के मार्ग पर नहीं चल रहा।
मेरा विश्वास है कि अहिंसा पूर्वक बर्ताव करने से हिंसक मनुष्य का हृदय परिवर्तन होगा। यदि एक गाल पर तमाचा खाने के बाद हम दूसरा गाल पेश करेंगे तो हमें दूसरे तमाचे के स्थान पर स्नेह मिलेगा। आपकी बात मनुष्यों के संबंध में सच हो सकती है, परंतु राक्षसों और पशुओं से ऐसी अपेक्षा नहीं की जा सकती। जिन हत्यारों ने जलियांवाला बाग में सैकड़ों निर्दोष निरपराध लोगों को गोलियों से भून डाला, उन्हें दूसरा अवसर नहीं दिया जा सकता। श्री कृष्ण को अंत में कंस और शिशुपाल का वध करना ही पड़ा। देश की रक्षा के लिए सेनाएं तो चाहिए। संपूर्ण अहिंसा का लक्ष्य असंभव है। महान लक्ष्य चाहे कितनी दूर हो, उसे सामने रख करके ही हम उसके निकट कहीं पहुंच सकते हैं। हमें उसकी ओर चलना है, उसी ओर चलना है। मुझे लगता है हम कई बातों में एक दूसरे से सहमत नहीं हैं, परंतु सावरकर, मुझे इतना अधिकार तो है कि अहिंसा का प्रयोग करूं। अपने निजी प्रयोग के तराजू में पूरे राष्ट्र को रखने से पहले राष्ट्र के हित और अहित की बात जरूर सोच लेनी चाहिए। मुझे आशा है हम फिर मिलेंगे और बातें करें। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स के साथ अपनी राय जरूर दें। और देखते रहिए TMT News 24।